में से सुगंध क्यों आती है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। 20 क्वेश्चन में से आप कितने के जवाब देते हैं उसका स्कोर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल, शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 21,196 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा एंजाइम है जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सवाल जवाब हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने के उत्तर दिए वो भी आप अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।